नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज, जो आप लोगों को हमेशा दिखाता है कुछ नया, कुछ अजूबा, कुछ अलग। तो आज मैं मुस्कान जी के पास हूं और मुस्कान जी का पहनावा ओढ़ावा भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं किस मुद्दे से वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये मुद्दा यही होने वाला होगा कि ये सोशल मीडिया पे काम करती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिंग करती हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हैं और लाखों दिलों के ये धड़कन बनकर धड़कती हैं। फेसबुक पर लोग लाइक करते हैं और मिलियन में व्यू इनका जाता है। ये भी वीडियो को आप लोग देखिएगा, इनके चैनल पे लगभग 1-2 मिलियन जरूर ही जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल होगा, ऐसा आप लोगों को जवाब भी मिलेगा जो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है मुस्कान जी। जो भी देख रहे हैं आपके चैनल पे, जो भी भाई लोग बंधु लोग जुड़े हैं, वो सब लोग ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें और वीडियो को फॉलो करिए। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, सब लोग वीडियो देखिएगा। तो एक हम आपसे आसान सवाल पहले करते हैं कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कैसे अपना कदम रखा, क्या विचार था, क्या प्लानिंग थी, कब से आई हैं आप? अब इसमें मैं सैड हो रही हूँ, ये पूरे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसलिए कि मेरी माँ थी इस दुनिया में, तो मेरी माँ एक हीरा की तरह मुझे पैदा करके मुझे परवरिश किया, लेकिन माँ मेरे 4 साल पहले दुनिया से चली गई। तो मैं 3 साल तो बहुत झेली हूँ, कुछ अपना दुख सुख हर तरह के दुख झेली हूँ 3 साल। और जब 4th साल चढ़ा तो मुझे ये लगा कि मतलब मैं गोरखपुर गई थी तो मुझे लगा कि वहाँ पे एक हीरोइन मिली थी हमको, अनुष्का दीदी, तो वो बोली शूटिंग से आ रही थी तो कह रही थी मुस्कान आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपका हम चैनल बना दे रहे हैं, आप वीडियो बनाइए, आप बहुत अच्छा टपक टपक से चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस दिन से वीडियो बनाने लगी माँ के जाने के बाद। माँ के जाने के बाद 4 साल पहले से वीडियो बना रही है? नहीं, ये मेरा वीडियो बनाते हुए 1.5 साल हो गया, 4 साल हो गया। तो वो कैसे उनसे मुलाकात हुआ, क्या आपका प्लानिंग था कि मुझे हीरोइन बनना है या इसमें विचार था क्या? नहीं, मैं गई थी गोरखपुर दावा के, तो मैं गई थी वहाँ पे, सब लोग जानते होंगे डॉक्टर अतुल साई को। अच्छा। तो मैं गई थी उनके पास दावा के, तो उधर से मैं आ रही थी तो वही मिली थी लोग, मारुति से आ रहे थे लोग, तो रुका दी गाड़ी, या कहती कह रहे थे आप लोग आपका करती है, हम बोले मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपने घर रहती हूँ, तो अपने घर रहती है तो आप बहुत अच्छा लग रही है, आप मेरे ऑफिस पे चलना पसंद करेंगी, हम बोले ठीक है चलिए। तो उनके ऑफिस पे गए, हमको किसमिस पानी उन्हें पीने के लिए दिया और कहे लो कि आपको चैनल बना दे रहे हैं, आप वीडियो बनाइए और बहुत आपका वीडियो चलेगा क्योंकि आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है। हम बोले ठीक। 1.5 साल के दरमियान आपने चैनल पे बढ़िया सब्सक्राइबर और फॉलो फेसबुक पे कराई हुई हाँ, है। तो कितनी बार पेमेंट निकाल चुके हैं फेसबुक से? अभी 2 बार। यूट्यूब से कितनी बार? अभी हाल ही फिलहाल में यूट्यूब मोनेटाइज हुआ है, फेसबुक से निकाल चुके हैं 2 बार। तो एक और सवाल है, ये तो आपके जीवन की बात हो गई, और एक दूसरी बात यह कि आपको आपके घर वाले कब जाने की आप बुरा मत मानिएगा कि किन्नर हैं कि ऐसे? मेरे घर वाले जान भी नहीं किए, मैं तो लेडीज हूँ। तो कैसे आप फिलहाल कैसे लोग कहते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा चेहरा या कुछ आवाज हाँ, कुछ ऐसा होता तो है? तो भले वैसा लगता है लेकिन हमारे घर वाले उस नजर से हमें देख भी नहीं किए। अच्छा अच्छा, वो लोग के दिल में तो आप लड़की है हाँ, लेकिन बाहर के नजर में जरूर कोई हाँ, कोई बाहर के नजर में को, हाँ, कोई बहुत ऐसे सुने हैं, बहुत सुने हैं है ना हाँ, बहुत सुने तो हैं। इसमें एक और सवाल रहेगा कि अगर आप अपने दिल से इस न्यूज पे क्या कहना चाहेंगी कि आप लड़की हैं कि किन्नर है? मैं लड़की हूँ। लड़की है हाँ, मुझे शादी करके कोई ले जाए अच्छा, फिर पता चलेगा ना कि आवा ले जा राजा दुल्हन बना के, अपने बानी धन तोहरे ला जोगा के, ले जा आवा दुल्हन बना के। खड़े रहिए, ऐसी तरह से जगाए रखिए, सोशल मीडिया पे हिलाए रखिए। तो मैं एक बार फिर मैं इस सवाल को दोहराता हूँ कि क्या आप किन्नर हैं या लड़की हैं? तो आप कह रही हैं लड़की हूँ हाँ। तो क्या आपसे बच्चा पैदा हो सकता है? बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो फिर किस तरह से मैं कहूँ कि आप लड़की हैं? एक मर्द को संतुष्ट रख सकती हूँ, मतलब आपका शरीर हूबहू लड़कियों के जैसा हाँ। है, मैं सारी खुशी दे सकती हूँ, रिलेशन में रह सकती है हाँ, सेक्स वगैरह सब कुछ कर सकती हैं, बस एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओवरी नहीं है। अच्छा, ये आप कैसे जानती हैं आखिर? तो डॉक्टर मैंने जांच कराया है लखनऊ में। अच्छा, कैसे आखिर जब शादी होता है तब लोग जांच कराते हैं बच्चे के लिए दौड़ते हैं? नहीं, तो मैं पहले ही कैसे मैं ऐसे ही जांच कराई, इसलिए कि मेरा जो मासिक होता था वो नहीं आ रहा था। अभी भी नहीं तो नहीं, मैं आ रहा था, मैंने बंद करा दिया, वो दूसरे जगह से आ रहा था, ठीक है, तो मैंने बंद करा दिया। उसी वक्त मैंने अल्ट्रासाउंड कराया अपने पेट को, सीटी स्कैन कराया। कितने साल पहले की बात है ये? 2008 में।
तो 2019 में आपका पीरियड मतलब कितने साल की होंगी की पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब उस समय आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो जब आना स्टार्ट हुआ, मम्मी बोली होंगी पहले, तो मम्मी को ही पता चलता है, तो मम्मी ने क्या कहा कि आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम और मम्मी लखनऊ गए और लखनऊ जाके चेक कराए वहाँ के जीएमसी हॉस्पिटल में, तो पता चला कि नहीं आएगा बच्चा, नहीं शक हुआ कि मुझे लग रहा है। तो क्या दिल पे आपके कुछ ऐसा लगा कि कुछ बुरा लगा? थोड़ा थोड़ा तो दुख लगा, थोड़ा सा उदास हुई इस बातों के लेकर। हाँ बहुत उदास हुए थे, बहुत सैड हुए थे। लेकिन चलिए अभी भी आप इतनी उदासी होने के बाद भी ये खुश रहती हैं और हर लोगों को एंटरटेनमेंट कराती रहती हैं, तो इसलिए आप मतलब ये कह सकती हैं कि मैं शादी कर सकती हूँ, किसी को संतुष्ट कर सकती हूँ, सेक्सुअल संबंध बना सकती हैं, केवल एक बच्चा नहीं होगा क्योंकि ओवरी नहीं है, ये कहा जाता है। तो आप शादी का क्या विचार बनाई है? शादी का अगर जिनको मेरे से शादी करना है, इनके चैनल के माध्यम से संपर्क करेंगे, और कई लोग संपर्क करने लगा था, कई लोग नहीं, मतलब जो अच्छा होगा उन्हीं से करेंगे। आप लोग कई लोग मैसेज करिए और उसमें जिसको ये चूज करेंगे कमेंट आप लोग दनादन करिए, उसमें चूज करेंगे कि कौन आप अच्छे हैं, कौन दिल के सही है, तो शादी कर लेंगे। तो कहीं ऐसा होगा कोई शादी शुदा मर्दाना आपको शादी करने के लिए तैयार हो जाए और कहे कि आप भी आ जाइए, तो कैसे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी किसी भी वजह से उनकी बीबी छूट गई हो और ऊपर वाला ना करे कि उनकी बीबी मर गई हो, एक दो बच्चे हैं पालने पोसने के लिए, तो मैं कर लूंगी। ठीक है, मतलब बच्चे को एकदम उस तरह से सेवा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं दिल में था कि मुझे भी माँ बननी चाहिए, बनना है, और वो ज्यादा उम्र का होंगे तो बस यही एक गाना गा देंगे कि हम बानी 17 बलमुआ 23 बा, हम बानी 17 बलम। गजब की ये गाती हैं, गजब की ये बनाती हैं रील, और उसी तरह से आप लोग भावुक हो जाते हैं, आप लोग दीवाना हो जाते हैं। भाई साहब, एक ऐसे पर्सनालिटी जो देख सकते हैं बेहतरीन और बेहतरीन शरीर है इनका, और इस शरीर को अपने इतने पागल तरीके से आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब करके इनके दीवाने हैं। भाई साहब, जब भी ये लाइव आ जाती हैं तो खाली कमेंट इतना रहता है कि ये नामो नहीं रख पाते हैं कि फलनवा देख रहा है कि चिलनवा। तो ये कहीं ना कहीं कुशीनगर जिले के एक मशहूर एक्टर्स बनकर उभरी हुई हैं, और इनसे बाद कई लोग आए, कुछ नहीं किए, इनसे पहले से भी कुछ कई लोग आए कुछ नहीं किए, लेकिन ये कुशीनगर का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा कर रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अश्लील भी वीडियो बनाती हैं, थोड़ा बहुत ये ऐसे कपड़े पहनती हैं, तना जाता है, देख ही रहे हैं कैसे तना रहे हैं। हाँ, तो तनाए गए ऊपर हो जाता है, तो कोला था मॉडल बनने के लिए थोड़ा सा दिखा देती है, तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, इनकी अच्छाइयों को आप लोग देखिएगा, जो अच्छा इन्होंने काम करती है, अच्छा इन्होंने वीडियो बनाती है, उसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर समाज कुछ अलग निर्देश पे जा पहुंचेगा। तो इस पे भी दो शब्द पूछ लेते हैं ताकि आप लोग कहेंगे कि भाई उस पे पूछ नहीं रहे हो, तो आप थोड़ा सा ही बता दीजिए कि नबिया कहे दिखा के वीडियो बनाती हैं, थोड़ा सा सही से रहता तो भाई लोग कहता भाई का भी बुरा नहीं लगता, माँ तो है जाना है, तो कहे आप जानते नहीं है कि यही गाना नहीं निकला कि यही ढोंढी आये ही ढोंढी यही ढोंढी के सभे दीवाना एकर नीचे शहर लोधी आना शहर लोधी आना, तो पूरा गाना है। और कई लोग तो ये भी गाना गाए थे कि गोहिर ढोड़ी में, हाँ गोहिर ढोड़ी में, कुछ इस तरह का भी गाना है। नहीं नहीं, जिला कुशीनगर लिखा वाला गोहिर ढोड़िया पर अपना ढोड़िया में ऐसा, और इनका गाना के हिसाब से इनका नाभि भी है जिसे आप लोग लिखवा सकते हैं, और ये इस पर लिखवाई है, थोड़ा सा ये दिखाइए, इस पर लिखवाई है, अपने शरीर के पीछे भी शायद इनका देखिए बना है, कुछ नहीं हमको लगा है कि ये कुछ बना है लेकिन पहनी हुई है, कहीं ना कहीं ये नाभि बचा है, कोई इनका फैन फॉलोअर्स इतना बच जाएगा कि कुशीनगर का नाम इनके नाभि पे लिखवा देगा। तो आप लोग इसी तरह इंजॉय करिए, मस्त रहिए, एकदम मजा लीजिए, और हम लोग हमेशा आते हैं तो आप लोगों को हंसाने के लिए ही आते हैं, क्या डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, इसे तो खुद उदास तो साइड में सभी लोग रह रहा है भाई। हम लोग इंजॉय कराए और एक इनके बारे में आप लोगों को बारे में बात कराया, ये एक सवाल है, तो अगले एपिसोड में आप लोग देखिएगा, और वो इनसे पर्सनली एक दो मिनट का वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा, और उस वीडियो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जैसे कि किन्नर लोग होते हैं, किस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं, किस तरह से वीडियो वो लोग काम करते हैं, कुछ ऐसी तरह का इनके मतलब शारीरिक जीवन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन पार्ट नंबर 2 होगा। धन्यवाद, नमस्कार।